बहुत गंदा। तो इन सबका कोटा पूरा हो गया है, नहा लिया है इन सब ने बैक्टीरिया वाले पानी में। मैं तो नहीं गई, मेरा पैर पैर था अंदर और ये था ये, इसने उसी में मुता और इसने उसी को पानी को पी लिया। ये मैंने नहीं किया, ये हमारे छोटे भाई ने किया है। पानी अंदर करके आगे पत्ता भी नहीं है। ये ये देखो टैनिंग का हाल, बीच में वाइट और कैसी बदतमीजी है। ये देखो भाइयों का प्यार, वैसे घर में बहुत ज्यादा इनकी लड़ाई होती है लेकिन यहाँ आके दोनों की केयरिंग बरकरार है। ये देखो हमारा कन्नू कन्नोड़ा, ये धूप में बैठ कर जूस पी रहा है, आजा गाड़ी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का मेरा बहुत ही मज़ेदार वाला ब्लॉग रहने वाला है, और जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख दिया, तो हम जा रहे हैं गुच्छुक पानी विद फैमिली, मतलब माइके की तरफ से विद फैमिली, बस पापा को छोड़ के, एंड देन हम सब लोग जा रहे हैं गुच्छुक पानी। जिस भाई ने ऐसे प्लान बनाया था, क्योंकि हर बार हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है, तो भाई ने ऐसे रैंडमली प्लान बनाया कि हम ना वेनेसडे को गुच्छुक पानी चलेंगे, एंड रोवर्स केयर भी बोलते हैं उसे, रोवर्स केव, ठीक है। तो आज दीदी की एनिवर्सरी भी है, तो हमने सोचा वहीं सेलिब्रेट करेंगे एंड जस्ट बहुत ज़्यादा फन करेंगे, क्योंकि मैं आज तक नहीं गई कभी रोवर्स केव, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। इतने टाइम मेरी शादी को हो गया, मतलब 6 साल मेरी शादी हो गया, उससे पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे, देन कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। बट इतने सालों बाद, वो तो सबर का फल मीठा होता है, पर वही हुआ आज, ठीक है। तो हम सब मिलके जा रहे हैं वहाँ, एंड देन मैंने प्रणव का गिफ्ट मेरा रह गया था, वो भी पैक कर दे के लगे हाथ उसे भी दे दूँ। तो दी की एनिवर्सरी है, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे एट अ टाइम, क्योंकि रात को प्लान बना था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दी को कम्फर्टर दिया जाए बहुत ही, चाहे वो इस महीने काम नहीं आएगा, बस नेक्स्ट मंथ से वो बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे बरसात में हो जाता है ना कि हल्का सा रेनी सा मौसम, वो थोड़ी हल्की फुल्की ठंड सी लगती है, तो उसके हिसाब से मैंने ये बहुत ही बढ़िया लिया है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब उन्हें कलर का पसंद आएगा नहीं आएगा, बट ये लास्ट पीस है अभी भी लेके आई मैं, तो देन अब चलते हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। और फिर मैंने बहुत सारा लगाया सनस्क्रीन, भाई बाहर जाओ तो 2-3 में से 3 लेयर में आप सनस्क्रीन लगाओ, और बाकायदा मैं लेके भी जा रही हूँ वहाँ जाके लगाऊंगी, एंड ब्लैक टी शर्ट एंड योगा वाली पैंट्स, देन मुझे स्लीपर्स पहनने, और बस उसके बाद हो गया मेरा काम था फिर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने क्लोथ्स रखे हैं कुछ, क्योंकि जब भीग जाएंगे उसके बाद चेंज करने के लिए। और 10:30 हो रहे हैं, वैसे 10:30 बजे का टाइम दिया था भाई ने कि हाँ 10:30 बजे हम करेक्ट घर से निकल जाएंगे, बट हो गए 10:30, अभी तक नहीं आया उनका कोई फ़ोन। अब मैं उन्हें फ़ोन बजाती हूँ, उसके बाद चलते हैं। चलो मिलो बटे उस गाड़ी में, यहाँ से हमने लिया सामान, बहुत सारा खाने पीने का सामान, बहुत सारा बन पड़ा है सामान। ये जा रहा है हमारा पिकनिक। ये देखो हमारा कन्नू कन्नोड़ा, ये धूप में बैठ कर जूस पी रहा है, आजा गाड़ी में। तो फाइनली बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद हम घर से आधे रास्ते तक पहुंच गए, जहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया। गर्मी तो लू से पार हो गए, उन्हें बात करने लगाया, यहाँ पे हमारा आधे पैसेंजर बात करने लग गया, और गाड़ी वाला हॉर्न दिया वो कन्नू का। फाइनली हम पहुंच गए, और यहाँ आके इनका सबका झगड़ा हो गया देखो, क्योंकि इन्हें एकदम से गाड़ी खोल दी थी और आगे चली जाती है, उड़ते हुए जाती स्लाइड मोड पे। कन्नू कन्नोड़ा हाँ कहाँ है, हेलो तो बोलो, हेलो। ये बिहाइंड द कैमरे का सीन है कि यहाँ झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे सब नाश्ते धास्ते टिकट के लिए पहुँच पड़े हैं। यहाँ पार्किंग 40 रुपए बड़ी गाड़ी के और 20 रुपए छोटी गाड़ी के। मम्मी मोंटी मम्मी से और क्या, टिकट काउंटर 900। हम 11 लोग हैं, सिर्फ 11 लोग हैं। प्रपोज भी करते हैं लोग, पर हमारे वाले तो पता नहीं कब आएंगे जिंदगी में प्रपोज करने के लिए। ये पानी हम पहुँच गए, एक तो तलाक सा है, मैं सोचा इससे अच्छा हम गधेरे में चल जाते जिंदगी, इससे अच्छा हम कुछ गधेरे में चल जाते, कम से कम पैसे नहीं देने पड़ते, 900 रुपये फालतू में बर्बाद नहीं जाते। तो हमने टिकट ली 900 रुपये की बड़ी, हमें 11.5 जनों की टिकट है, सिर्फ प्रणव कृष्णा की नहीं लगी और सबकी लगी, एंड देन ट्यूब के अलग चार्जेस है, 30 रुपीज का ट्यूब एक है अगर आप लेना चाहते हो, 30 की हमने 3 ट्यूब लिए 90 के, एंड देन मम्मी बोले कि मैं नहीं जाऊँगी,
हेमा दी जाएगी, नविका अगर गई यहाँ मम्मी बैठी है सारा सामान का जुगाड़ करने की। मम्मी कह रही मैं नहीं जाती बस, क्योंकि मम्मी थोड़े दिन पहले क्रिस्टल वर्ल्ड होके आई। मम्मी कह रही है कुछ भी नहीं है, और यहाँ सारे लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को ले लेके बैठे हैं आराम से, कोई वो नहीं है दिक्कत नहीं। हमारी भेड़ वाली ये हमारी वो इधर कह रहा है, यहाँ से सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये मेरा फैमिली अलग ही है। इधर आधी मेरी फैमिली वहाँ खड़ी हुई, आधी इधर। ये मेरी बहन है, इसको ये मतलब आज पहली बार गई भैंस पानी में। ये तो ऐसी लग रहा गई भैंस पानी में। गाइस इसे कहते हैं गई भैंस पानी में, देखा आपने कैसे एक भैंस दूसरे भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। आदम ने ना लिया, अब आई है नीमा दी चेंजिंग रूम से, क्योंकि हमारा आधा हो चुका, आधा घंटा हो चुका मैं पानी में रहते रहते। तो ये दोनों बारे मम्मी तो नहा नहीं रही है, मैं पहले से अपनी पटाई भी सा लूँ उसके बाद कुछ करूँ मम्मी। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, बहुत ज़्यादा फैमिली, बहुत ज़्यादा। हम आए थे उस टाइम पूरा खाली था भाई का टाइगर वालों, एंड देन इसके बाद अब जगह कितनी सारी फैमिली आ गई। अभी आ जाए यहाँ चेंजिंग रूम में। पागल हो गए मेरे घर वाले गाइस, आपको कहीं पर दिखे मेंटल लोग तो सीधे चल जाना, मिलना ही मत इन लोगों से। अब पूल को बाय करते करते अब चल जाए गुपचुप पानी की तरफ, क्योंकि मैं केक के अंदर जाऊँ, उसके बाद आगे सफर। सबसे बढ़िया रहा खाना खाया है, बहुत ज़्यादा मस्ती करी, एंड देन उसके बाद खाने के लिए भी आ गया। वाह मम्मी प्रिंसू ने कपड़े पहने नहीं कि खाने के लिए ठूसने पहुँचे, और वहाँ भी मछलियाँ छपा छप पानी में हैं। तो यहाँ पे हम आ गए चेंज करके, और भाई की प्लेटिनम की चैन गिर गई है पानी में छपा, अपनी कोई भी कीमती चीज़ें घर छोड़ के आए भाई। बहुत अरे हो जाता है ना, तो अब प्रणव गया है उसी गया है ढूंढने के लिए, अगर पैरों से देख देख के अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। भविष्य और भाई को ढूंढने पर लगे पड़े हैं नीचे की, अगर मिल गई तो 1% है। हमारा प्लान कामयाब हुआ, मैं मिल गई मर्चेंट। वाह यार मैं काजी नहीं दी छूटा। फाइनली मेरा वीडियो बनाने का कुछ तो अच्छा हुआ कि वीडियो बनी, और उसमें पता चल गया था कि हमारी चैन कहाँ पे गिरी है। प्लीज फाइनली नहाने के बाद जनता पार्टी लेने के बाद हम तेरे घर के घर जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं कैब के तरफ, मतलब जो यहाँ तो स्विमिंग पूल वाला सीन है। अब सीधा हम चलेंगे कुछ खा पी के केव की तरफ, एंड बहुत ज़्यादा धूप रहा है, पानी में ना इतना पता नहीं चल रहा था। 100 रुपीज़ चार्ज है एडल्ट, चाहे चिल्ड्रन 5 साल से ऊपर कुछ भी कोई भी बच्चे हो, 100 रुपीज़ चार्जेस है। एंड कुछ खाने के लिए कहाँ जाएंगे, खा रहे हैं पहले केव की तरफ जा रहे खाने साइड नहीं पहले हम। ये देखो ब्लॉगर पर ब्लॉगर आए यहाँ पे, अब चले हम खाने की तरफ, चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ज़्यादा गर्मी है, अब देखते हैं बाहर जगह में क्या मिलता है खाने को।
अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है मैं इधर का, और मुझे लगा था कि सीधा वो केप में से एंट्री करेंगे वह स्विमिंग पूल, एंड देन भाई पता नहीं कहाँ पहले स्विमिंग पूल में लेके आ गया मैं, मतलब है बहुत मस्त। एक घंटे के ट्यूब एक घंटे के लिए मिलेगा, वैसे तो ज़्यादा देर उन्होंने लगा दी थी, बट फिर ओए मंडी हम ये तो लग छाई रिवर साइड रेस्टोरेंट में एंट्री मैंने स्लीपर्स भी मिल रहे हैं यार यहाँ पे तो, अगर हम इस वाले स्विमिंग पूल में जाते तो। फिलहाल मैं इसमें कह रहा हूँ गाइस इतने चर्की लोग हैं ना रेस्टोरेंट के मुंह के मालिक के सामने वापस आ गए, तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा तब तक केब में ही होके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन छोड़ो ये मेरी नाजुक सी स्किन ऊपर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं काली लगूँ अपनी शादी के टाइम शादी शादी तो इसी नवंबर दिसंबर में पता नहीं कब होगी, खैर शॉपिंग के दौरान आइडिया हो ही जाएगा, बट स्टिल क्या अभी तो नहीं हो रही है। ठीक है तो कॉफ़ी का पैक लगा के अपना टैनिंग ख़त्म कर दी भाई। कैब को जाते टाइम आपको कपड़े भी किराए पे मिल जाएंगे, स्लीपर्स भी किराए पे मिल जाएगा, खाने की चीज़ें तो मिलेंगी ही, बट स्टिल क्या आपको अगर शूज़ डाल के आए हो ऐसे और स्लीपर्स डाल के आए तो ज़्यादा बेटर है, बट पूरी फैसिलिटी मिलेगी अंदर जाते जाते। कैब के बाहर देन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गाइस, मार्केट मिलेगी पूरी आपको हमें बाहर, और अब दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। और ये देखो केप का रास्ता, देन प्रणव और नहीं भविष्य और नवी का, और ये हटो अपनी मुंडी हटाओ दोनों फोटो खिंचाने की हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ कैश पे मिलेगा मैं टिकट 35 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। हम यहाँ पे रुके हुए हैं और मम्मी उनको ना चाय की तलब लगी, वो चाय पीने रुक गए, उन्होंने घूमना छोड़ दिया भाई, कैशियर हमारे ना वहीं छुप गए, कितनी बेकार बात है, इतनी चलचलाती धूम है, मन कर रहा कि धूम आना नहीं चाहिए, उन नान के नाम खड़ी रहती हूँ देखो मुझे, तो बच्चे ना धूम में कैंडी के चक्कर में धूम में खड़े हुए, कैंडी कॉटन कैंडी याद है कैंडी मैं नहीं खाती इसको इतना बेकार है। पूरा मेला लग गया बहुत सही है यार, झूले झाले भी लग गए हैं इधर, सबसे पहले मैं ही जा रही हूँ ठीक है, सबसे पहले मैं फिर प्रणव खुशी एंड देन पीछे से धीरे धीरे ही चल रहे, और बज रहे भी 2:30 बज चुका है, अभी तक हमने कुछ खाना नहीं खाना, लेकिन हमने सोचा कि केप के अंदर जाने के बाद हम खाना खाएंगे, तो 35 रुपीज़ चार्जेस है एक बंदे का, तो प्लीज़ कैश लेके आएँ, विदाउट कैश मत आएँ, तो हमें कैश के चक्कर में अभी तक हम घूम के आ जाते हैं, आधा घंटा में वेट करना पड़ा क्योंकि मम्मी लोग पीछे छूट गए थे, एंड अब चलते हैं छक्का छक्की केक के अंदर जाने का। ये बहुत ठंडा पानी है, इसीलिए शायद इसे केक जो लोग रहते हैं वो ऐसे रुक जाते हैं, तो मैं और प्रणव तो आगे जाते हैं क्योंकि ये लोग सब पीछे छूट गए, कितना ठंडा है पानी, बहुत मज़ेदार लग रहा है, मेरे पता भी सबसे वाला पानी है, ओ गुफाएं गुफाएं टनल के अंदर जाते 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 हैं, मेरा ही प्रिंस आजा गुफाओं के अंदर जाते रहो, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, एंड देन पानी की कलकलाहट अमेजिंग, छपा अच्छा यहाँ पे अगर आपको ऊपर जाना है तो जा सकते हैं, बट यहाँ पे ही ज़्यादा स्टॉपेज है, लोगों की भीड़ गुफा के अंदर, गुफा यहाँ नहा भी तो रहे लोग, ओह माय गॉड कितना ठंडा है ना, हाँ यहाँ से ऊपर ना प्रिंस बाहर आ जाओ बेटे, चलो आ जाओ बाहर आ जाओ, अंदर एक झरना है लोग नहा रहे हैं, ये एंडिंग है एंड देन वापसी टर्न, चलो भाई जूते उतार के आना, नहीं तो आंधी की तरह तुम्हें भी ऐसे जूते देख लो, जूते में अंदर तक आ गए भाई, बहुत अंदर तक केव है, इसीलिए शायद से रोबर्ट केव बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक है, हम पूरा लास्ट छोटा होकर आ गए, एंड देन इसीलिए इसे शायद रोबर्ट केव बोलते हैं, क्योंकि पहले ये ज़माने में ये जब अंग्रेज़ों के टाइम पे चोरों के बचने के लिए ये केव
ठीक है, तो वो यहीं से आते थे और यहीं से भाग जाते थे। अगर इसका लास्ट छोर पता नहीं कहाँ है, लेकिन अंदर तक हम आधे रास्ते तक गए थे, फिर उसके बाद हम आधे रास्ते वापस आ गए। उसके बाद जो बच्चे हैं वो देखो पत्थरों से सींचता हुआ पानी से, है ना, स्रोतों का पानी भी बोलता है अगर गढ़वाली पहाड़ी में बोला जाए तो। बहुत ज्यादा संकरी गुफा है, संकरी पत्थर भी पानी दे सकता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। यस, इतना ठंडा स्रोतों वाला पानी आ रहा है, मतलब मुझे लगता है कि हमें पहले यहाँ आना चाहिए था, उसके बाद हमें स्विमिंग पूल में जाना चाहिए था, क्योंकि कपड़े तो हमारे भीग ही गए थे ना, देन अगर हम तब स्विमिंग पूल में जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। अब हमारे दो दो बार कपड़े गीले हो गए, क्योंकि मैं तो ट्राउजर पहन के आई थी, मेरा ऊपर हुआ ही नहीं और वो भीग गई। देखो भाइयों का प्यार, वैसे घर में बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ आके दोनों की केयरिंग बरकरार है। तो फाइनली हम आ गए केव के बाहर, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी नहीं, जो नया नया है उसके लिए एक बार के लिए जा सकते हैं, भिगाने जा सकते हैं, भाई अपने घर पर टब ले लो भिगा लो। बट स्टिल के हम भी आए ना, किसी का सुन के हम भी आए कि हाँ आ जाते हैं। एंड देन को स्लीपर्स भी मिलेगी यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी मिलेगा खाना खाने के लिए। एंड देन आप फटफट से खाना खा लो यार, नहीं यहाँ गाना खाने के लिए, भाई गाने लग रहे, कॉपीराइट भी आ जाएगा, मुझे भी छोले चाट। चलिए हम यहाँ पे बैठ गए खाने के लिए, और मेन्यू देखने वाला है नवी का और हेमा जी देख रहे हैं मेन्यू। यस ऑफ कोर्स, एक चाउमीन मंगाई दिए, रेगुलर थाली यार, बहुत ज्यादा खाना कितना मंगा, रेगुलर थाली, और इतना टाइम हो गया कि हम तो घर से निकले थे 11 बजे के आसपास, नॉर्मल चाउमीन ना मंगा देनी, मैं और अभी बच रहे हैं 3। पहले हमने मंगाए थे नूडल्स जो हो गए खत्म, देन मोमो अभी आ रहे हैं, और वाली काल मंगा पोटैटो ठूसती हुई नवी का। हाउस अभी हमारे पास नूडल आए थे और हनी चिली पोटैटो और मोमोज, बट स्टिल की हनी चिली पोटैटो और नूडल्स बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, और मोमोज तो नहीं हो रहे। फाइनली ये हमारी थाली है 150 रुपीज़ में, 4 रोटियां, दाल और सब्जी एंड देन चावल और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा सैलेड, ओहो अमेजिंग। तो फाइनली पूरा खाना खाने के बाद, अभी भी पूरा नहीं है, तो हमने मंगाए 2 चीज़ पास्ता, चीज़ पास्ता आएगा, ओ माय गॉड, बस चीज़ पास्ता आ गया, चीज़ तो उसके ऊपर ही पचका पड़ी है, 100 रुपये का चीज़ पास्ता है हमारा। देख भाई गंदी शक्ल, 4 बजे उठने वाले हैं, ज़्यादा समय के 4 बजे तक हमें घर पहुँचना है, और अब ना बहुत ज़्यादा थक गए मैं, मेरे को लगता है जब तक मैं घर पहुँचूँ तब पहले बैठी बैठी चाहिए, फिर मेरा सोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं लटपटा आज। अरे तुम ये पहली खाई, तो ये रहा हमारा बिल जो पता है 1400 का, तो हमने देखी आज की एनिवर्सरी की पार्टी थी हमारी, 1400 रुपये में हम सब ने मौज मस्त करके खाया, हंस हंस के तो पागल ही हो गए। ये देखो इनका हाल, ये है बिल का हाल और ये है इनका हाल, खाने के बाद इन टेबलों का ऐसा हाल हो गया। चले हम मस्त पेट ठूस के घर के, और इतना मस्त खाना था ना, मज़ा ही आ गया। इधर भी बच्चों के खेलने के लिए है, बट चार्जेस है इसके सारे, सबके अलग अलग। गुच्छू पानी आओ ना, और इस रेस्टोरेंट में तो जरूर खाना रोबर्ट्स केव कैफे। एंड देन ये आपको थोड़ा सा गेट से थोड़ा सा अंदर आओ वहीं पे मिलेगा, बाहर का मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर खाओगे ना मज़ा आ जाएगा भाई, 1400 रुपये हमने वर्थ दिए हुए और इतना सारा ठीक नहीं बात। जब हम गए थे तब भी इतनी भीड़ थी, और हम आ गए हैं तब भी इतनी भीड़ है, देखो मम्मी बोले पागल हो गए वो लोग आने के लिए। एक कैंडी वाले ने हमें चूना लगा दिया, 10 की कैंडी 20 की बेच के, ₹80 के सन ग्लासेस, ओह माय गॉड। ये कह रहा है कि मैं बहुत लंबी वीडियो बनाती हूँ, अब वो जितनी होगी इतनी बनाऊंगा, पर अरे गुच्छू पानी कभी मत आना यार, और इतनी धूप में तो कभी मत आना, बहुत धूप हो रही, मेरा एक गाल ठंडे काला हो गया, फिर एक गाल घर से पूरी काली चपट्टी, एक गोरा और एक काला गाल कैसे लगेगा मेरा। यहाँ दो दो की जोड़ी बनी, 2 कहाँ दिख रहे हो, मेरे मम्मी और नवी का तो अलग ही आ रहे हैं, अभी धूप में बेहाल, और भाई वो लोग आगे से जा रहे हैं, और मैं और भविष्य छाँव में, हे भगवान, छाँव होने के बावजूद भी छाँव नहीं है ज़िंदगी में। जो आप गाड़ी के अंदर हमारे पिछवाड़े सीखेंगे और दीजिए एक्टिवा के ऊपर सीखेंगे ना इनके पिछवाड़े,
कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। पानी फेंक दूं इनके ऊपर, ले इस शीट पे पानी फेंक दे। तो तुम दोनों के पिछवाड़े ठंडे करने के लिए हम इसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देते हैं। तो पहले थोड़ा सा फेंक दो बेटा, बहुत गर्म हो गया होगा। मिला दो इसे, अभी साथ ही पानी पी। ओ एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर यार। इसने गाड़ी की चाबी खो दी है, कितना बढ़िया बात है ये, है ना? गाड़ी चाबी ना ली। वाओ, मैंने ली, अंकल ने रख दी थी गाड़ी की चाबी। चल सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा इसकी एंडिंग वीडियोस भी बना दी जाए, है ना? तो दो दिन के बाद मैं गुच्छू पानी जो रोबर्स केप है उसकी एंडिंग वीडियो बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लिटरली बता रही हूँ कि कभी भी तुम प्लान करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो गुच्छू पानी ज़रूर जाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कपल्स के लिए तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, एकदम शानदार सी। तो मैं जैसी घर आई ना, ठीक है, जब चाबी मिल गई थी दीदी की, चाबी मिलने के बाद हम इतनी धूप में घर आए, उसके बाद मेरे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो उसके बाद शुरू करूं। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने घर आके नहाया, फिर उसके बाद चाय चू पी, फिर शानवी को नीचे घुमाने के लिए लेके गई। देन उसके बाद रात को मेरी ऐसी हालत थी कि बस मुझे बिस्तरा दो और मैं पड़ जाऊँ, है ना? तो जिस डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं तो ऐसे घोड़े बेच के सोई कि जैसे कभी नहीं सोई होंगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी मुझे टाइम नहीं मिला एंड आज थर्ड डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूं। भाई आप तो सैटरडे को देखोगे, मैं इसे फ्राइडे को कंप्लीट कर रही हूँ, है ना? तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले किसी अच्छे से वीडियो या ब्लॉग के साथ। और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहाँ जाना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।